पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। अब रूल पुष्पा का। तो गाइस फाइनली आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए पुष्पा 2 को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट जिसे सुनकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो कौन कौन सा अपडेट है ये बताने से पहले हेलो कैसे हो, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आपका वही जेपी एंड आप देख रहे हैं जेपी एक्सप्लेन। तो यार आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की एक छोटा सा ग्लिम्स और एक पोस्टर ड्रॉप हुआ था जिसे देखने के बाद ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड है पुष्पा 2 को देखने के लिए। बट पुष्पा 2 के अलावा और कई सारी आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की बड़ी बड़ी मूवी आने वाला है जिसमें से 2 मूवी को कंफर्म कर दिया गया है। तो पहला मूवी जिसका अनऑफिशियल टाइटल है AA21 जिसको कोरा टेलासिवा डायरेक्ट करने वाले हैं। बट कोरा टेलासिवा सर जूनियर NTR के साथ अपना प्रोजेक्ट देवारा पर बिजी है एंड नेक्स्ट वीडियो देवारा की अपडेट के ऊपर आने वाला है। सो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड और एक मूवी जिसका अनऑफिशियल टाइटल है AA22 जिसको त्रिविक्रम श्रीनिवास सर डायरेक्ट करने वाले हैं एंड त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू के साथ अपना प्रोजेक्ट गुंडूर करम पर बिजी है। एंड ये दोनों का प्रोजेक्ट खत्म होते ही आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन के साथ उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट का भी टाइटल अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। एंड पुष्पा 2 को छोड़कर ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए आप कितना एक्साइटेड हो ये जरूर कमेंट करना। एंड बात करें पुष्पा 2 की अपडेट को लेकर तो यार पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पुष्पा 2 जो दिसंबर में रिलीज होना था वो रिलीज डेट अब पोस्टपोन हो चुका है। एंड पुष्पा 2 द रूल्स की एक न्यू रिलीज डेट को 2024 पर कंफर्म कर दिया गया है। बट वो कौन सा मंथ होगा ये कंफर्म नहीं किया है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस रिलीज डेट को पोस्टपोन क्यों किया गया है, इसका रीजन क्या है। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग इस मूवी का रिलीज डेट पोस्टपोन होने की रीजन डायरेक्टर सुकुमार इस मूवी की स्क्रिप्ट को दोबारा से लिख रहे हैं। इसका रीजन हो सकता है कि वो अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं एंड पुष्पा 2 द रूल्स की पार्ट 3 के लिए भी प्लानिंग किया जा रहा है। एंड ऐसा होगा भी बिकॉज इंडिया के अंदर कई सारे यूनिवर्स भी क्रिएट हो रहे हैं एंड वो एक तो पॉपुलर डायरेक्टर भी है। एंड हो सकता है कि पुष्पा 2 के स्क्रिप्ट पर चेंजेस करने के रीजन वो अपना एक यूनिवर्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो यार इसके बारे में आपका क्या कहना है तो यार जरूर कमेंट करना। एंड आप पुष्पा पार्ट 3 के लिए रेडी हो या फिर नहीं, क्योंकि अब सुकुमार यूनिवर्स के भी खौफ होने वाला है। तो यार आज का वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मूवी से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलता रहेगा।